लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रणाम पाशी। सदा सुखी रहो पुत्र वधु। प्रणाम आचार्य। कल्याण हो देवी। ये तो आपका सौभाग्य है देवी कि आप ऐसे यशस्वी पुत्रों की माता हैं। इसका श्रेय तो आपको जाता है, यदि आपकी दीक्षा नहीं होती और पितामह का आशीष नहीं होता तो क्या मेरे पुत्र ये कर पाते? नहीं देवी नहीं, ये तेजस्वी पुत्र किसी भी स्थिति में दयनीय नहीं हो सकते। ये अपने कर्मों के द्वारा संसार की गति परिवर्तित कर सकते हैं। इनमें वो पौरुष है जो अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर मैं निरंतर चिंतित रहती हूं। पुत्र वधु, अब तुम्हें अपने इन पुत्रों के भविष्य को लेकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। इनका भविष्य पूर्णतः सुरक्षित है। नहीं पितामह, कल रंगभूमि में दुर्योधन ने जो किया उसे देखकर मैं बहुत चिंतित हूं। देवी, कहीं आप उस सूत पुत्र कर्ण के उत्थान को लेकर तो चिंतित नहीं हो रही हैं? आचार्य, माता श्री कर्ण के उत्थान से नहीं, अभी तो दुर्योधन के द्वेषपूर्ण व्यवहार से दुखी है। कल उसने रंगभूमि में हम भाइयों के प्रति अपनी द्वेष भावना का उदंडता पूर्वक प्रदर्शन किया। दुर्योधन के उदंडतापूर्ण प्रदर्शन का न हमने रंगभूमि में समर्थन किया और न कभी भविष्य में करेंगे। क्यों भांजे, कैसी लगी तुम्हें तुम्हारे गुरु की राजनीति? अर्जुन को सर्वशेष धनुधर घोषित करना था, तो कितनी चतुराई से पास फेंका। ऐसा पासा फेंका कि कर्ण को प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं लेने दिया। इन्हें जो करना है करने तो मामा श्री, जो करना करने तक, किंतु मैं इनके राजनीति के सामने हार नहीं मानने वाला, कभी नहीं। कर्ण के साथ हुए भेदभाव को ना तो हस्तिनापुर के लोग भूल सकते हैं, ना कर्ण भूल सकता है, ना ही मैं मनाश्रय। मैंने पांडवों के विरोध में एक प्रबल योद्धा को उनका शत्रु बनाकर उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है मामा श्री, उनके सामने। कर्ण जीवन पर्यंत मामा श्री पांडवों को क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। और तुम्हारा एकमात्र यही प्रयास रहना चाहिए भांजी, कि वो सूत पुत्र अर्थात तुम्हारा मित्र अंगराज कर्ण उन पांडवों को क्षमा करने के बारे में कभी सोच भी ना सके। उसे सदैव स्मरण कराते रहना कि यदि उसके अपमान का कोई कारण है तो वो अर्जुन, यदि उसका कोई प्रतिद्वंदी है तो वो भी अर्जुन। मामा श्री, मैं एक क्षण के लिए भयभीत हो गया था कि कहीं अंग राज्य का दान कर्ण अस्वीकार न करते। ना 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 भांजे ना, वो ऐसा कदापि नहीं करता। यदि तुम उसे खांडवप्रस्थ या वारणाव्रत का मुखिया भी बना देते ना तो भी वो उसे अस्वीकार नहीं करता। उसने अंग राज्य को स्वीकारा ही अपनी दीनता और अपने अपमान से मुक्ति के लिए है,
यदि उसने अंगराज को स्वीकारा है तो समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए। मामाश्री, आप तो कर्ण के विषय में अपनी भावना परिवर्तित करनी होगी। अरे आप क्या जानते हैं कि कर्ण क्या है? मैं आपको बताता हूं कि कर्ण क्या है। कर्ण स्वाभिमानी है, वीर पुरुष है, और ऐसे वीर मामाश्री समाज में अपना स्थान बना ही लेते हैं। कर्ण ने अंग राज्य मात्र इसीलिए स्वीकार किया कि वो अर्जुन से प्रतियोगिता के लिए योग्य होना चाहता था। यदि उसे यह पता होता कि अंगराज बनने के बाद भी उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा तो वह अपने शीश पर राज मुकुट नहीं रखने देता। उसके माथे पर जो मुकुट रखा हुआ है ना भांजे, वो उसे जीवन भर याद दिलाता रहेगा कि वो तुम्हारा मित्र है और अर्जुन का शत्रु।